दोस्तों आप सभी सोच रहे होंगे कि आज अंकित अकेला युवतरंग में क्या कर रहा है, एक्सपर्ट्स कहाँ हैं? आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट आखिर है कहाँ। चलिए चलते हैं। हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवतरंग में। मैं हूं आपका दोस्त अंकित सेन। दोस्तों आज हम बात करेंगे रोड सेफ्टी और सुपरबाइक्स की। इस विषय में हमारे साथ हैं देवेंद्र सैनी जी जो कि ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, तनुज शिवहरे जी जो कि राइडर हैं, दीपेश तवर जी जो कि डायरेक्टर हैं एक निजी बाइकर कम्युनिटी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवतरंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुपरबाइक्स की और ड्राइविंग सेफ्टी की। इस विषय में तनु जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत आज किस दौर से गुजर रहा है अगर हम सुपरबाइक की बात करें तो। आज की तारीख में भारत का जो स्थान है सुपरबाइक्स में वो पहले 10 कंट्रीज में आ चुका है, और जितनी सुपरबाइक्स इस देश में बिक रही हैं मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं बिक रही हैं। लोगों में क्रेज बढ़ रहा है, इनफैक्ट ट्रैक राइडिंग भी काफ़ी बढ़ चुकी है, साउथ में हो रही है, चेन्नई में हो रही है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे हो रही है। तो एक बड़ी पॉजिटिव ट्रेंड बढ़ रहा है ट्रैक राइडिंग का और रोड राइडिंग का। बंटी जी आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में कैसा क्रेज़ है? राजस्थान में बहुत क्रेज़ बढ़ गया है अब सुपर बाइक्स का। कुछ सालों पहले बहुत गिनी चुनी बाइक्स हुआ करती थी, और आज देखें तो आज की तारीख में अराउंड 500 सुपर बाइक्स हैं राजस्थान में। बहुत ज़्यादा क्रेज है क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं और बहुत लोग क्रेजी हैं बाइक्स के लिए। ठीक है देवेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेके चलते हैं जब आप राइडिंग करते हैं, तो देवेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे। सर जो बड़ी बाइक्स हैं उसके साथ में सेफ्टी गियर भी उसी हिसाब के लेने पड़ते हैं। आप इनको एक स्टॉक बाइक की तरह आपने ली बाइक और हेलमेट लगा के नहीं चला सकते हैं। इनको चलाने के कुछ अलग कायदे हैं, कुछ अलग एथिक्स हैं इनको चलाने के। इनके लिए आपको ड्यूटी अप्रूव्ड हेलमेट पहनने पड़ते हैं, ग्लव्स एक जरूरी सी चीज़ है आपको पहननी ही पड़ेगी, एक जैकेट जैसे हमने पहन रखी है अभी इस वक्त, इस तरह की जैकेट है, ट्राउजर हैं, बूट्स हैं, और ये गियर तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ही। इसके अलावा इन बाइक्स को चलाने के लिए आपके अंदर में एक्सपर्टीज़ का भी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक्सपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तनु जी, यूथ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों से, और देखा जा रहा है तो एक्सीडेंट भी काफ़ी यूथ्स के हो रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा, क्या तरीका क्या करना पड़ेगा जिससे ये सब चीज़ें इम्प्रूव हों? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि ये बड़ी बाइक्स हैं, इनको चलाने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आप ये सोचें कि ये 100 से 150 cc की जो बाइक्स हैं उसी तरह से दिख रही हैं और आप उसी तरह से चला सकते हैं तो ये गलत है। ये बहुत पावरफुल बाइक्स हैं और इसके साथ में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इस बाइक को ले चलाने के लिए? अगर ट्रेनिंग लेंगे तो बहुत अच्छा है, हर कोई ट्रेनिंग नहीं ले पाता क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल्स इतने नहीं हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है। बट जो एक्सपीरियंस राइडर्स हैं, जैसे हम लोग का जयपुर सुपर बाइक्स क्लब है, जो उसमें जितने भी एक्सपीरियंस राइडर्स हैं, हम लोग सबकी कोशिश यही रहती है कि जो भी नए राइडर्स आ रहे हैं उनको एक फॉर्मेशन में लीड करें, उनको राइडिंग स्किल्स समझाएं, और इसी डायरेक्शन में हम लोग हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं कि उनको जब भी राइड्स हो रही हैं प्रॉपर सेफ्टी गियर्स और तरीके से चलाने के लिए ही जोर दें। ठीक है ठीक है, दीपेश जी आपसे जानना चाहेंगे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जब आप राइड पे जाते हैं? बिल्कुल, हम बहुत रूल्स फॉलो करते हैं। जो एक्सपीरियंस राइडर्स होते हैं वो फ्रंट लीड करते हैं, और स्वीप भी वही करते हैं। स्वीप का मतलब होता है पीछे। तो जो नए राइडर्स हैं उन्हें हम बीच में रखते हैं, और फॉर्मेशन ऐसा रखते हैं कि ब्रेक लगे तो बाइक के पीछे नहीं हो, थोड़ा साइड में हो। क्रॉस फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन, ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस हम लोग रखते हैं बीच में, हम उन्हें बताते हैं ब्रेक कैसे लगाना है, कौन सा ब्रेक लगाना है। हमेशा पीछे का ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, लोग सोचते हैं पीछे, आगे का ब्रेक ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाउ टू ब्रेक, ठीक है, और ब्रेक के साथ इंजन स्टॉप करने के लिए गियर ब्रेकिंग भी होती है, ठीक है, बहुत जरूरी होती है, वो हम समझाते हैं। ठीक है, देवेंद्र जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं यही ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर में,
कि जो क्रॉस में चलते हैं हम लोग, एक के पीछे एक नहीं चलते हैं, क्रॉस फॉर्मेशन में चलते हैं हम लोग, ताकि और एक सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करके रखते हैं कि 300 मीटर से 500 मीटर के बीच का हम लोग को जो भी हमारी स्पीड चल रही है, जो पेस में हम लोग चल रहे हैं उसके हिसाब से 300 से 500 मीटर का हम लोग सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस मान के चलते हैं हम लोग कि इतनी देर में बाइक रुक जाएगी तो हम लोग पीछे वाला, अगर सामने वाले के सामने कुछ हजार्ड है, उसने अपनी गाड़ी रोकी है, तो पीछे वाला उसको हिट ना कर दे, ठीक है। ये चीज़ है, हमेशा हैंड सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। किसी के अगर बाइक में कोई खराबी है तो उसका सिग्नल अलग है, कोई हैजर्ड ड्राइविंग कुछ है तो उसका सिग्नल अलग है, किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो उसका सिग्नल अलग है। ये सब चीज़ों का हम लोग उनको बता के चलते हैं, जिससे कि काफ़ी राइडिंग काफ़ी सेफ हो जाती है। एक नियम हमारा हमेशा होता है, हम लोग कभी भी लेफ्ट से किसी को ओवरटेक नहीं करते, ओके, हमेशा राइट से ओवरटेक करेंगे अगर ओवरटेक करने की आवश्यकता पड़ रही है तो, वरना हम लोग फॉर्मेशन में चलते हैं। ओके 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 बंडी जी, आपसे जानना चाहूँगा कितना डिफरेंस होता है एक हाईवे राइडिंग में और एक सिटी राइडिंग में। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि सिटी राइड के अंदर डिस्टेंस बहुत छोटे होते हैं एक तो, और ट्रैफिक ज़्यादा होता है। हाईवे में ट्रैफिक कम होता है बट बड़े ट्रक्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखना होता है हाईवे राइडिंग पे। हाईवे पे थोड़ी स्पीड भी मेरे ख्याल से ज़्यादा रहती है, तो आपका जो डिस्टेंस जज करने का एस्टिमेशन है वो भी आपको बहुत रिस्पॉन्सिव काफ़ी क्विक रखने पड़ते हैं, क्योंकि आप वही रिस्पांस नहीं ले सकते जो कि आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। अगर 100 से आप 150 चल रहे हैं तो आपको उसी तरह से अपना एंगल ऑफ यानी या जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी उसी रिफ्लेक्शंस काफ़ी शार्प होना चाहिए, काफ़ी शार्प रखने पड़ते हैं। ओके, आपको लगता कहीं ना कहीं राइडर्स की एक इमेज बड़ी नेगेटिव होती जाती है, कि बड़ी नेगेटिव इमेज होती है, उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जाए? ये इमेज कुछ मूवीज़ की वजह से बनी हुई है, ये बिल्कुल नेगेटिव नहीं होते। राइडर्स भी आम आदमी की तरह होते हैं, ऑफिस गोइंग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, फादर्स होते हैं, मदर्स होती हैं। तो इस इमेज को किस तरीके से आप इम्प्रूव कर रहे हैं? हम लोग इम्प्रूव ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग स्कूल्स में अब जा रहे हैं, okay. और उन लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हाउ टू राइड और ड्राइव, उनको समझा रहे हैं हम लोग, सेफ्टी नॉर्म्स समझा रहे हैं, उनको राइडिंग के प्रॉपर तरीका समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक सेफ सोसाइटी आगे जाके क्रिएट हो सके। देवेंद्र जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो सुपर बाइक राइडर्स होते हैं, जो बड़ी बाइक चला रहे हैं, तो जो यूथ है, आजकल का जो युवा है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए वो आइडल होते हैं, उनके लिए वो रोल मॉडल होते हैं उनके लिए वो, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनकी वो ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं वो लोग। तो हम लोग जो कर रहे हैं अभी, और हमने किया भी है, और आने वाले समय में आप देखेंगे हम लोगों को, कि कुछ स्कूल से हमारी बात हुई है, हम वहाँ पर जाएंगे स्कूल में और अथॉरिटीज़ को साथ में भी हम डिस्कशन करेंगे इसको लेकर के। हम लोग स्कूल में जा करके उन स्कूल के बच्चों को अपनी बाइक्स दिखाएंगे, बच्चों में क्रेज होता है बाइक्स का, काफ़ी अट्रैक्शन पोर्शन बन जाते हैं आप लोग। हम लोग जिस तरह के गियर पहनते हैं वो गियर्स पहन के जाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि ये सेफ्टी नॉर्म्स हैं, ये गियर हैं, आपको ये पहनने चाहिए अगर इस तरह की बाइक चलाते हो आप, आपको ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए, आपको रेड लाइट का पता होना चाहिए, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। आप देखोगे छोटे बच्चे जो हैं स्कूल के अंदर में जा रहे हैं, तीन तीन बच्चे एक स्कूटी पे बैठ के जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप शॉर्टकट निकालने के लिए उस बच्चे को एक मिनट अपना बचाना है, उसकी बच्ची भी 60 साल की 45 साल की जिंदगी को दांव पे लगा रहा है, डेफिनेटली ये गलत बात है, ये उसको सिखाने की जरूरत है। हमें ये लगता है कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो बोलेंगे बच्चे उसको ज्यादा फॉलो करेंगे। कई पेरेंट्स को ये पता ही नहीं कि उनके बच्चे स्कूल में किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं। छुट्टी होते ही आप देखिए कि आधे तर बच्चे हेलमेट्स नहीं पहने और राइडिंग गियर के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है, तो बड़ी रैश ड्राइविंग हो जाती है कई बार और बड़ा अनसेफ एटमॉस्फेयर बन जाता है। आप लोगों के गियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी, कितना सेफ है ये गियर्स? अभी भी जो हम लोग गियर पहने हुए हैं उनमें एल्बो प्रोटेक्शन, शोल्डर प्रोटेक्शन और बैक प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, किसी भी इंजरी या किसी भी एक्सीडेंट में जब आप गिरते हैं बॉडी के साथ में, फर्स्ट इम्पैक्ट आता है आपके हेलमेट पर। हेलमेट में भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है चिन और हेड का टॉप पार्ट, ये पार्ट्स हमेशा हेलमेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो एक तो चीज़ मैं यही कहूँगा कि जो आप लोग हेलमेट पहन रहे हैं वो 100-150 रुपए वाला हेलमेट ना पहने, अक्सर लोग यही हेलमेट पहनते हैं वो, उसमें नज़रिया यही है कि सब पुलिस से बचना है।
इसलिए हेलमेट पहन, आज भी लोगों का ये माइंड सेट है कि वो हेलमेट पुलिस के चालान से डर से पहनते हैं, वो सबसे बड़ी ना कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। जी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, आप अपन लोग इतने सारे दोस्त लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप किसी की भी पॉकेट टटोलोगे ना तो हर किसी की पॉकेट में 10,000 से ऊपर का मोबाइल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। 50,000 60,000 रुपए तक हम मोबाइल तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हेलमेट 60 रुपए का 80 रुपए का पहनेंगे क्या? हमारा मोबाइल और हम बाइक पर चला रहे हैं और उसमें दो बार अपना जेब में हाथ डाल के मोबाइल टटोलते हैं, मोबाइल सेफ पड़ा है कि नहीं पड़ा है? जी हेलमेट पहन रखा है अपने 60 रुपए का, वो नहीं हम संभाल रहे हैं, हमारी जिंदगी इतनी कीमती है उसके बारे में हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, 50 रुपए 60 रुपए का हेलमेट लगा रहे हैं जबकि मोबाइल पर अपन इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। क्यों ना हमारी जिम्मेदारी हो कि हम इस तरह के हेलमेट पहने जो कि DOT अप्रूव ना हो लेकिन ISI अप्रूव तो हो, और उन जो हेलमेट की बिक्री हो रही है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो रोड साइड पर हेलमेट बिक रहे हैं मैं उनके खिलाफ हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हेलमेट की जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो इस तरह के हेलमेट बनाए जो इतने सेफ हो एटलीस्ट कि छोटी मोटी जो अपन जो राइड कर रहे हैं, जो ये स्टॉक बाइक्स हैं जिनकी नॉर्मल स्पीड 60 से 80 के बीच में होती है, उनके अंदर में अगर उस बाइक से वो गिर रहा है, उसकी इंजरी हो रही है, तो हेड इंजरी से कम से कम कोलैप्स। हाल ही में सरकार की तरफ से भी एक नया प्रावधान आया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, उनको हेलमेट देना पड़ेगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं डिले कर दिया है सरकार ने काफ़ी? तनुज जी सब ये जब भी एक पॉजिटिव स्टेप लिया जाता है तो वो कभी ना कभी किसी के लिए डिलेड तो होता ही है, बट इट्स नेवर लेट देन नेवर, आई मीन इट्स नेवर लेट देन आई मीन एवर, तो अच्छा स्टेप है और बहुत पहले से होना चाहिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसको सुधार कर सकते हैं। आप कुछ ऐड करना? एक संशोधन है सर इसमें कि ये चीज़ वैसे विड्रॉ कर ली है गवर्नमेंट ने वापस। ओके, ये अच्छा स्टेप था ये कि एक लोगों को पता चलता है कि हेलमेट कैसे होने चाहिए, अच्छे अप्रूव्ड हेलमेट देने की शुरुआत हुई थी, लेकिन न जाने किन कारणों से इसको गवर्नमेंट ने वापस से विड्रॉ कर लिया। बंटी जी, हाल ही में वीनू जी का इंसिडेंट हुआ है, आपकी बाइकर्स कम्युनिटी को कितना नुकसान हुआ है उनके नहीं रहने से? बहुत ज़्यादा नुकसान है उनके नहीं रहने से। वो हम सबसे ज़्यादा पैशनेट राइडर थी और वो फुल ऑफ एनर्जी थी, उनके बिना राइड करने का मन नहीं करता है लोगों का, पर क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी राइडिंग इसलिए हम राइड करते हैं। अब हर राइड उनके लिए ट्रिब्यूट टू हर, सारी जो राइड हैं आप उनको ही ट्रिब्यूट टू हर, ट्रिब्यूट हम सबके जैकेट पे उनके टैग हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी सारे सेफ्टी गेयर्स पहन रखे थे, उसके बावजूद भी इंसिडेंट हुआ? बहुत सारे सेफ्टी गेयर्स पहन रखे थे उन्होंने, अच्छा जैकेट था, अच्छे पैंट्स थे, बूट्स थे, हेलमेट था, पर ये जिस तरह से गिरते हैं तो आपको पता नहीं होता इम्पैक्ट कहाँ हुआ वो, ठीक है, वो इंटरनल इंजरी से हुआ, वो बाकी उनकी बॉडी पे एक भी निशान नहीं था जब वो। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हर कार में एयरबैग्स भी होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस एक्सीडेंट में कोई फिटैलिटी नहीं होती। ये सेफ्टी गेयर्स आपको किसी भी सिचुएशन से बचाने के लिए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ भी नहीं होगा, पर जितना इम्पैक्ट वो झेल सकते हैं वो इम्पैक्ट झेलते हैं और आपको काफ़ी हद तक इंजरी से बचाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सेफ्टी गेयर्स एक अलग गेम प्ले करते हैं, इसके साथ में आपको अपना कंसंट्रेशन हमेशा ध्यान रखना है रोड पर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ड्राइविंग के टाइम में आपको बिल्कुल अटेंशन देना ही चाहिए। रोड कंडीशन की अगर हम बात करें जी, तो हमारी जो रोड कंडीशन है फोर व्हीलर के लिए सेफ नहीं है, ऐसे में सुपर बाइक रोड कंडीशंस मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़राब है, सरकार काफ़ी हद तक रोड्स को सुधार कर रही है। आप अभी एग्जांपल ले लें कि NH8 को देखिए, टू लेन से 3 लेन और 6 लेन हो गई है, लेकिन गलती ये हो रही है कि जो उस पर लोग चल रहे हैं, ट्रक वाले अगर चल रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं अगर रोड चौड़ी हो गई तो उनको पार्किंग स्पेस और मिल गई है, तो उनकी जहाँ मर्जी आती है वो वहाँ लगा लेते हैं, कोई कहीं पर डिविजन कर देते हैं, कहीं पे भी ब्लॉकेट्स लगा देते हैं और उस और जगह जगह जो भी साइनेज होता है उस पर कोई अपना पैम्फलेट पोस्टर होर्डिंग लगा देते हैं। मतलब ये भूल के कि ये लोगों के लिए है, रोड सेफ्टी के लिए, उस पर कोई ध्यान नहीं। देवेंद्र जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं यही ऐड करना चाहूँगा सर इसके अंदर में कि जो रोड पर हाईवेज के ऊपर की अगर अपन बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि आप कह रहे हैं कि रोड कार्स के लिए सेफ नहीं है, बाइक्स को हम कैसे इसको अपन कैसे कोप अप कर पाएंगे बाइक्स को, तो सर इसके अलावा इसमें जो चीज़ें जिन बारे में अपन ने बात करनी चाहिए वो है अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स जो हाईवे पे चल रहे हैं,
जिनको अपन जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ कहते हैं, वो मिलेंगे आपको हाईवे पे। ट्रैक्टर मिलेंगे जिनके पीछे रिफ्लेक्टर लगे हुए नहीं है, ऊंट लड्ढे मिलेंगे जिनके पीछे रिफ्लेक्टर लगे हुए नहीं है, पीछे निकले हुए सरिये जैसे हमने बात करी थी पिछली बार, सरिये निकले हुए हैं उनके बाहर पे, उनके ऊपर में कुछ भी हैजार्ड का साइन नहीं है उसमें। आपने देखे होंगे एक्सीडेंट इस तरह के, बहुत बड़ा कॉज है ये एक्सीडेंट का कि रोड्स पे हाईवेज पे दिन के टाइम से लेके रात के टाइम पे वो सरिये लेके चल रहे हैं और जो कि किसी को भी नहीं देख सकते, और सरिये क्योंकि सीधा होता है तो आपका विजन बहुत पतला होता है, अगर आप थोड़ी सी भी स्पीड में हैं तो आपको जब तक कि आप 50 मीटर की दूरी पे नहीं हो तो सरिये नहीं देखेंगे, तो उस टाइम में अगर आप स्पीड में हैं तो आप गाड़ी संभाल भी नहीं सकते, और ये चीज़ टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों में होती है। तो मैं ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा, इस तरह का जो परमिशन है वो रोकी जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए जो इस तरह से चला रहे हैं बिना सरकार से। क्या उम्मीद है आपको? मैं ये ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर कि रोड्स की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं आजकल। अच्छा, अच्छी है। मैं इन पिछले 16 दिनों में मैं और वीनू इम्प्रूवमेंट आया है बहुत ज़्यादा। मैं और वीनू इन 16 दिनों में 9000 प्लस किलोमीटर्स हमने किए ऑल ओवर इंडिया। मैंने देखा रोड कंडीशन बहुत अच्छी हो गई हैं, पर लोग उनको मिसयूज़ कर रहे हैं काफ़ी। लोगों का नज़रिया थोड़ा सा वही उसी हाल पर है। रोड्स चौड़ी हुई हैं, रोड्स अच्छी बनाई हैं, उनके लिए ही बनाई गई हैं, लेकिन उनको यूज़ करने का तरीका वही एजुकेट करने की ज़रूरत है। एजुकेट करने की ज़रूरत है और उनको बेस लेवल पर एजुकेट करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस चलाते हैं, या तो हम कार ड्राइव कर रहे हैं या हम बाइक चला रहे हैं, तो बहुत देर तक अगर हम एक ही स्ट्रेट रोड पर चलते रहते हैं ना, तो हमारा दिमाग कुछ देर के लिए बहुत स्लो हो जाता है, बॉडी वर्क करती रहती है, इट्स कॉल्ड अ टनल व्यू। ओके, वो ट्रांस में चल जाते हैं, हमें नहीं, उस टाइम हमें लगता है कि हम नॉर्मल हैं पर हमारा दिमाग सो जाता है। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। बाइक चला रहे हैं तो हमें थोड़ी अपनी गर्दन हिलानी चाहिए, कार चला रहे हैं तो या तो म्यूजिक हो या फिर हमें बात करते रहना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब दिमाग सो रहा होता है एकदम से कुछ गड्ढा या कुछ आता है तो जब तक हम कोशिश करते हैं ब्रेक मारने की वो नहीं हो पाता है। ये टनल भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट इस कारण भी होते हैं। आप अपनी लग्जरी के लिए महंगी महंगी बाइक ले तो लेते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल ड्यूटी है? तरुण जी, सब मेरा सबसे पहला स्ट्रेस यही रहेगा कि बड़ी बाइक्स के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ रही है। आप खाली बाइक अपने लिए ही नहीं ले रहे हैं, आप को फॉलो करने वाले हज़ारों लोग हैं जो कि आपको देख रहे हैं, आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जज्बा रखते हैं कि जब वो ले पाएंगे और वो भी इसी तरह बाइक चलाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि अगर हम बाइक्स चला रहे हैं तो हम एक ज़िम्मेदारी से उसको चलाएं, जिससे कि लोग देखकर उसी चीज़ को फॉलो करें और एक सेफ सोसाइटी बनाने की कोशिश करें, रादर देन कि बाइक के पावर से आप बाइक को इस तरह से ड्रिबल कर रहे हैं ट्रैफिक में, जिससे दूसरों का कॉन्सेंट्रेशन खराब होता है, दूसरों के साथ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ये चीज़ मैं अवॉइड करवाना चाहूँगा। एक क्वेश्चन हम हमारी ऑडियंस से ले लेते हैं, जानते क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो सर, मेरा सर क्वेश्चन आपसे है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सुपर बाइकर्स का जो काफिला निकलता है रोड पे जी, तो लोग उनको देखकर काफ़ी इंप्रेस होते हैं, और आज का जो यूथ है इतनी नासमझी बरतता है कि वो ऐसी सुपर बाइक ले आता है लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, वो एक्सीडेंट में तब्दील हो जाती है वो बात जो है जी। ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के यूथ को? जैसा कि पहले बात हो चुकी है, हर बाइक चलाने का एक अलग तरीका होता है। ये बहुत भारी बाइक्स हैं, इनका वज़न भी 300 से 400 किलो के आसपास रहता है और रफ्तार भी उसी हिसाब से काफ़ी तेज़ रहती है, तो इनको हैंडल करने का तरीका भी अलग होता है। कई सारे स्कूल्स आ रहे हैं और इन फ्यूचर आने वाले 6 महीनों में हम लोग भी एक प्रैक्टिकल क्लास और रेगुलर तौर पे क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि हम जयपुर के यूथ को ट्रेन कर सकें और उनको समझा सकें कि किस तरह की चलाने का तरीका रहता है। देवेंद्र जी, रोड एथिक्स और ड्राइविंग एथिक्स कहीं ना कहीं बहुत कमी है इंडिया में, कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं ये सब चीज़ें, क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र जी? सर, मेजर रोल इसके अंदर में लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है ना, वहाँ पर उनकी स्ट्रिक्टनेस है। तनु जी से बात हुई थी हमारी इस बारे में पहले भी संदर्भ में, और उनके भी इसी सेम व्यूज़ हैं उनके भी।
कि जब तक लाइसेंसिंग हमारे यहाँ पर इजी अवेलेबल नहीं होगा, हो रहा है जिस तरह से, अगर उसके अंदर में स्ट्रिक्टनेस होगी, अगर हम लाइसेंस जिसको दे रहे हैं वो शिक्षित होगा, वो उसको साइनेज के बारे में पता होगा, उसको ये पता होगा कि इस बोर्ड का मतलब क्या है, हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, उसको ये पता होगा कि लाइट का क्या मायने हैं, ये जितने निशान लगे हुए हैं उनका क्या मायने हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि जब तक ये चीज़ें हाँ सुधार आ पाएगा इसके अंदर में। इसमें एक जैसे वेस्ट में जो होता है रिटन एग्जामिनेशन होता है, और रिटन एग्जामिनेशन के डर से लोगों में बड़ा वो भय रहता है कि साहब और कहने का मतलब बहुत स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, उनमें ये बड़ा डर रहता है कि साहब मैं कहीं फेल नहीं हो जाऊं, और क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे को दूसरा मौका 3 साल बाद मिलेगा। अगर यही टाइप की कुछ चीज हम लोग भी यहाँ पर ला सकते हों तो मेरे ख्याल से बहुत सुधार आ जाएगा लोगों में, ये अवेयरनेस भले ही डर के कारण होगी या किसी और कारण से, लेकिन ये अवेयरनेस आएगी और रोड की सिचुएशन बहुत बेटर। ठीक 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 बात है। बंटी जी आपसे जानना चाहूँगा, लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए? जब स्कूल से स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम 6th क्लास उनको समझाना पड़ेगा ट्रैफिक रूल्स क्यों ज़रूरी है फॉलो करना, बाइक कैसे चलाएं, स्पीड क्या होनी चाहिए आपकी, ब्रेकिंग, क्योंकि स्कूल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एक अलग से एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ट्रैफिक रूल, वो एग्जाम भी ले सकते हैं, प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए वो क्या चला रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, इंजन कैपेसिटी क्या है, ब्रेक्स क्या है, कैसे ब्रेक्स लगते हैं, ये सब बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने चाबी लगाई और आप बाइक ले या कार लेके निकल गए। देवेंद्र जी कुछ ऐड करें? मैं ऐड करना चाहूँगा सर इसके अंदर में कि हमें थोड़ी सी ऊपर की सोच रखनी पड़ेगी। ओके, मतलब मैं नहीं होकर के मुझे हम के बारे में सोचना पड़ेगा। आप एक छोटी सी चीज़ देखते हो कि लोग बाग अनइवन पार्क कर देते हैं, यहाँ सब्जी की दुकान है, मैंने यहाँ रोड पे मेरी गाड़ी लगाई, मैंने सब्जी ली, मुझे नहीं पता पीछे का ट्रैफिक कितना ज़्यादा उससे श्रिंक हो रही है, पूरी रोड मैंने श्रिंक कर दी, एक्सीडेंट होने की संभावना वहाँ बढ़ा देता हूँ, मगर मुझे सब्जी लेनी है यहाँ पास में तो मैं रोड पर ही अपनी गाड़ी लगा दूंगा। मैं मुझे ये चाहिए कि मैं अपना फ़ायदा नहीं देख करके मैं जनहित की बात करूँ, मैं एक जिम्मेदार नागरिक की भी भूमिका निभाऊँ, मैं अपनी गाड़ी को थोड़ी आगे पार करके आऊँ ताकि रोड पर उस चीज़ का ट्रैफिक का दबाव ना पड़े और एक्सीडेंट प्रॉन ना हो वो चीज़। ये चीज़ हम ध्यान रखें। आप देखते हो चौराहे के अंदर में लोग बाग जिसको राइट जाना है वो पूरी रोड कवर कर लेता है, और यो जैसे रेड लाइट खुलती है आगे आने के जद्दोजहद में वो इधर से घूम के जाता है, और जो लेफ्ट जिसको जाना है उसके लिए हम रोड रोकते नहीं है। ड्राइविंग एथिक्स है ही हम अपने आप के बारे में सोच रहे हैं। आप रोजाना देखते हो लोग बाग छोटी सी गाड़ी आगे पीछे होने पर एक दूसरे से गुस्सा हो रहे, लड़ाई, इतना डिप्रेशन हो चुका है। इसके लिए आपको इससे ऊपर उठने की जरूरत है, आपको अपने आप के फायदे के अलावा सबके बारे में फायदे के बारे में सोचने की जरूरत है। आपको लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी आगे बढ़ना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा वही करता है जो सीखता है। ये नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी हमारी, हम अपने बच्चों के साथ में अगर हमें रेड लाइट आज स्कूलों में सिखाया जा रहा है छोटे बच्चों कि रेड लाइट कौन सी होती है, ग्रीन लाइट कौन सी होती है, बच्चे ऐसा कई जगह देखने में आया है कि बच्चे पिताजी को बता रहे हैं कि पापा ये रेड लाइट है आप कहाँ जा रहे हो, तो ये चीज़ तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, रोल है अपने बच्चों के, बच्चे देखेंगे आपसे फिर वही आगे वही करेंगे। ठीक ठीक ठीक, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक ठीक ठीक, एक सवाल और ले लेते हैं हमारी ऑडियंस से, क्या कहना चाहेंगे? मैं दीपेश जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आप थोड़ा विनू जी के बारे में बताइए, वो कैसी राइडर रही हैं? वो बहुत अच्छी राइडर थी, बहुत सेफ चलाती थी, हमेशा जब भी ग्रुप फॉर्मेशन होता था राइड से पहले तो वो इंश्योर करती थी कि सब सेफ्टी गियर में हैं। शी वॉज अ नेशनल बैडमिंटन प्लेयर, और वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, और हम लोग और बहुत कम लेडी राइडर्स हैं इंडिया में, अराउंड 30 लेडी राइडर्स आर देयर इन इंडिया, और हम लोग चलाते हैं जब हम लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं 400-500 किलोमीटर्स, वो हमारे साथ साथ चलाती थी और वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखती थी, हम लोग साथ चले हुए हैं उनके। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि सेफ्टी गियर्स तो पूरे पहने हुए थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सफिशिएंट होती है, चलान सफिशिएंट, ये सारी चीज़ें सफिशिएंट है? सब सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कि हमने लूपहोल्स छोड़ रखे हैं, उनमें सुधार हो सकता है। सबसे पहला सुधार तो यही है कि अगर इसका एक रिटन टेस्ट होएगा तो हर आदमी को ये डर बना रहेगा कि मैं कहीं इसमें फेल नहीं हो जाऊं।
लॉज भी काफी बन चुके हैं रोड सेफ्टी के ऊपर, क्या ढंग से एग्जीक्यूट होते नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा एक लॉ है कि अगर आपका एक बार चालान हो गया, आपने हेलमेट नहीं पहन रखा तो आप पूरे दिन वो चालान दिखा के बिना हेलमेट घूम सकते हो, तो ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है बचने का काफी अच्छी तरीका कि एक बार आपने चालान कटवा लिया उसके बाद आप पूरे दिन ऐसे ही घूमो। देवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? सर एक नियम बनाने से ज्यादा जरूरी आम आदमी को, आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसके अंदर में। आप फोर्सफुली हर चीज नहीं करवा पाओगे आप जब तक शिक्षित नहीं करोगे, आप बेस लेवल पर इसके लिए कार्रवाई नहीं करोगे। हम अंदर से नहीं सोचेंगे कि हमें सेफ रहना है, हमें अपने अलावा और लोगों को भी जिम्मेदारी हमारी है, हमें उनको भी सेफ रखना है। जब तक आप इस तरह की सोच नहीं लेके आओगे, आप देखोगे आप बच्चों को लोग बाग स्कूटर पे बाइक पर आगे बिठा के लेके जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको लेके जा रहे हो आप, उन्हें कोई समझाना चाहिए उनको। आप देखोगे कि एक ऑटो वाला है जो हमारे स्कूल के बच्चों को लेके जा रहा है, वो रेड चल रहा है, हमें उसको रोकना चाहिए ऑटो को। मैं मेरी बात करूं, हमें रोकेंगे, मैं रोकूंगा उस ऑटो वाले को, मैं उसको समझाऊंगा, हो सकता है कल मेरे बच्चों का जो ऑटो ले वाला लेके जा रहा है वो गलत रेड चला रहा होगा, उसको कोई और समझाएगा। हर किसी को जरूरत है सर इस चीज की, इस बारे में इनिशिएटिव लेने की। जाते जाते एक मैसेज ले लेते हैं दीपेश जी, हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यूथ को ये कहना चाहूंगा कि जो भी वो व्हीकल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, दे शुड राइड सेफ, सेफ्टी पहले ध्यान रखें। ओके तनु जी क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? यूथ के लिए तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट मैं तो ये चाहूंगा कि एक सेफ सोसाइटी बनाए, क्योंकि आज ये यूथ हैं और कल जाके ये लोग भी एक एडल्ट सिटीजन बनेंगे और यही वो प्रॉब्लम से फेस करेंगे कि ट्रैफिक से परेशान हो रहे हैं। तो अगर वही कदम जो उन्हें 5 साल बाद उठाने, वो अगर आज उठा लिए जाए तो मेरे ख्याल से एक सेफर सोसाइटी की तरफ बहुत अच्छा डायरेक्शन होगा। देवेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ को मैं सिर्फ राइडिंग को लेकर के अगर मुझे मैसेज देना हो तो मैं ये कहना चाहूँगा सबको कि एक अच्छे ब्रांड का हेलमेट लें, एटलीस्ट ISI ब्रांड तो हो वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, नियमों का पालन करें, खुश रहें, अपने आसपास सफाई रखें और अपने साथ जो लोग आपके चल रहे हैं, आपके आसपास के जो लोग आपके साथ में गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उनका भी ध्यान रखें। तो देखा दोस्तों आपने कितनी इंपॉर्टेंट बात आज सीखी होगी, उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ नोट करा होगा। जब भी जाएं एक अच्छा हेलमेट लें, ना कि हेलमेट लें, एक अच्छा हेलमेट, अच्छी ब्रांड का हेलमेट लें ताकि आपकी जो ज़िंदगी है इतनी सस्ती नहीं हो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखा होगा, अगली बार ऐसे ही किसी सफर में फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए DD RAJASTHAN।